हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सुपरकंडक्टर। अगर सुपरकंडक्टर्स के ऊपर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। सुपरकंडक्टर का बहुत बड़ा यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसपोर्टेशन में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड एल्युमिनियम का बना हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अगर ये इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सुपरकंडक्टर का बना होता देन द सेविंग वुड बी इनॉर्मस। तब हमें कोई भी नीड नहीं होती टू ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी टू ए हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करंट। और हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड एल्युमिनियम का बना होने के कारण इसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और अगर देखा जाए तो पावर प्लांट से चलने वाली 100% इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते 72-75% ही रह जाती है और 25-30% इलेक्ट्रिसिटी का हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाता है। उसी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स होते हैं, उसमें यूज़ होती है कॉपर वाइंडिंग। एज वी ऑल्सो नो दैट कॉपर वायर हैज़ सम रेजिस्टेंस, देयरफॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। इफ वी रिप्लेस दिस कॉपर वाइंडिंग इन दिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाई सुपर कंडक्टिंग बाइंडिंग देन दे विल हैव वेरी ग्रेट टेंडेंसी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विदाउट एनी एनर्जी लॉस। इन फैक्ट ए सुपर कंडक्टिंग जनरेटर अबाउट द साइज ऑफ कॉपर वायर जनरेटर इज अबाउट 99% इफिशियंट। जबकि बात करी जाए एक टिपिकल जनरेटर की तो वो क्या होते हैं, केवल 50% इफिशियंट होते हैं। यानी कि एक कॉपर वायर से बना हुआ जनरेटर की इफिशियंसी 50% होती है, जबकि सुपर कंडक्टिंग जनरेटर की इफिशियंसी कितनी होती है, 99% तक होती है, और उसका साइज़ भी टिपिकल जनरेटर की कंपैरिजन में आधा होता है। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बहुत इंकरेज कर रही है यूज़ ऑफ सुपर कंडक्टर्स को एज एनर्जी इफिशियंट डिवाइसेस के लिए। लेकिन अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है कि अभी तक ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं मिला है जो कि 300 केल्विन यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्ट कर सके। इसीलिए इसके लिए हमें एक कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। अभी बहुत सारी कंपनीज़ इस पर काम कर रही हैं जिसमें जल्दी ही सक्सेस मिल ही जाएगी। वहीं बात करें इसके एक और एप्लीकेशन की तो वो है मैग्नेटिक लेविटेशन में, यानी कि मैगलेव ट्रेंस में। मैगलेव शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक लेविटेशन। इस मैग्नेटिक लेविटेशन में मैग्नेटिक का मीन तो आप सब लोग जानते होंगे और लेविटेशन का मीनिंग होता है फ्लोट कराना। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी ट्रेन रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लोट कर सकती है यानी कि तैर सकती है? और उसी के साथ साथ क्या आपने सोचा है कि कोई एक ऐसी ट्रेन भी हो सकती है जो कि 600 से 800 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सके? ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड भी इवन 300 से 400 किलोमीटर पर आर ही है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है और ये सब पॉसिबल हो पाया है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की वजह से। मैग्लेव ट्रेन्स में कोई भी व्हील नहीं होता है जिसके कारण इसमें फ्रिक्शन के कारण कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता और जिसके कारण इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम एयर ड्रैग को भी ख़त्म कर दें तो ट्रेन की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और इस ट्रेन को कहा जाता है हाइपर लूप, जिसकी स्पीड होती है 1200 किलोमीटर पर आर। इन मैग्लेव ट्रेन या हाइपर लूप में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स बनी होती हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से। वहीं इसके साथ साथ इसका एक और एप्लीकेशन है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI में। यह टेक्निक 1940 में डेवलप करी गई जो कि डॉक्टर्स को अलाउ करती है टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द बॉडी विदाउट डायरेक्टली परफॉर्मिंग सर्जरी, यानी कि बिना सर्जरी के हमारे शरीर में क्या हो रहा है इसकी इमेज ली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ MRI। तो सुपर कंडक्टर्स के आने से इन MRI में यूज़ होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स साइज में स्मॉल होती हैं और ज़्यादा इफ़िशियंट भी होती हैं इन कंपेरिजन ऑफ यूजल मैगनेट्स।
इसका एक और एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन डिवाइसेस में। जैसा कि हम जानते हैं, साइक्लोट्रॉन्स आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड हैड्रॉन, और इसके लिए यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। और अगर हम इन पार्टिकल्स की स्पीड को अप्रोच कराना चाहते हैं स्पीड ऑफ लाइट के, तो उसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए यूज़ करी जाती हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। इसमें पार्टिकल्स को लार्ज ट्रैक पर घुमाया जाता है जिससे उसकी स्पीड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती जाती है, और इसी की हेल्प से सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स जैसे कि टाओ या फिर न्यूट्रिनोज की डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई है। इसी के साथ साथ इसका एक और एप्लीकेशन है फास्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में। इन फास्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के लिए टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। इन सुपर कंडक्टर्स ने ही आज जैपनीज रिसर्चर्स को अलाउ किया है टू बिल्ड 4-बिट कंप्यूटर माइक्रोचिप, जो कि आज के टाइम पर यूज़ होने वाले 32 बिट्स एंड 64 बाइट्स प्रोसेसर की कंपैरिजन में 500 टाइम्स फास्टर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।